hello students welcome to our mathematics class in our recent videos we have learned to solve a pair of linear equation in two variable uh, by substitution method and in this video we will discuss about the word problems given in your exercise 3.3 there are many word problems given in exercise 3.3 from the word problem first we will derive two लिनियर इक्वेशंस दैट विल बी इक्वेश्स वन एंड इक्वेशन टू फॉर यू देन यू विल सॉल्व दैट यूजिंग योर सब्सिट्यूशन मेथड लेट्स स्टार्ट द वीडियो आज की इस वीडियो पे हम सीखने वाले हैं कि एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री पे रहने वाले सारे वार्ड प्रॉब्लम्स को जितने भी वार्ड प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर कई सारे कंडीशन दी गई होंगी जैसे वार्ड प्रॉब्लम्स में सो so, उसी वार्ड प्रॉब्लम्स में से फर्स्ट आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे इक्वेशन्स आपको डायरेक्टली वहाँ पे नहीं दिए होंगे जैसे कि इसके आगे आप लोगों को पहले से इक्वेशन दी जाती थी एंड आप क्या वहाँ पे सफेचुशन मेथड यूज करके सॉल्व कर देते थे बट यहाँ पे इक्वेशन आपको खुद बनाने हैं एंड इक्वेशन कहाँ से बनेंगे इक्वेशन बनने वाले हैं आपके वार्ड प्रॉब्लम से बनने वाले हैं वहाँ पर वहाँ पर कंडीशन दी गई होंगी आपके हिसाब से वहाँ पर जो कंडीशनस होंगे उसी से आप वेरिएबल्स लेंगे कि भाई इसको हम एक्स लेते हैं इसी वैल्यू को वाई लेते हैं एंड उसके बीच उसके बाद उन दोनों के बीच के रिलेशन को लेकर आप इक्वेशन बनाएंगे एंड यू नीड टू मेक एटलीस्ट टू इक्वेश्स क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो एक पेयर ऑफ इक्वेशन आपको फॉर्म करने हैं सो इक्वेशन वन इक्वेशन टू आप जब फॉर्म कर ले तभी जाके आप उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकाल सकते हैं तो चलिए जब एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएंगे कि भाई कैसे हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे उसके बाद आप आसानी से किसी बड़े बड़े क्वेश्चन को भी कर सकते हैं सो इन योर फास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर तीन का फास्ट बीट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज ट्वेंटी सिक्स एंड वन नंबर इज़ थ्री टाइम्स द अदर देखिए यहाँ पे दो कंडीशन आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं uh, पहला कंडीशन तो ये है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज ट्वेंटी सिक्स ऐसे दो नंबर्स हैं जिनके बीच के डिफरेंस ट्वेंटी सिक्स है एंड वन नंबर इज़ थ्री टाइम्स अदर मतलब एक नंबर दूसरा नंबर का तीन गुना होता है सो so, यहाँ पे दोनों कंडीशंस को लेके हम दो इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं फाइन द सल्यूशन फाइन डैम यहाँ पे नंबर नंबर को हमें फाइन करना है फ़ाइन देम तो पहले आप भाई दो नंबर ले जाइए आपके हिसाब से अगर आप यहाँ पे नंबर्स लेते हैं एक्स एंड वाई एंड आप मानते हैं कि हम वाई को बड़ा रखते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली एंड वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स यहाँ पे सब हम वाई को एक्स बड़ा करते हैं क्योंकि यहाँ पे दो नंबर्स देखिए यहाँ पे जो रिलेशन है वन नंबर इज़ थ्री टाइम्स द अदर दैट मीन्स एक नंबर दूसरे नंबर का तीन गुना है तो ऑब्वियसली एक नंबर दूसरे नंबर से आ, बड़ा है और दूसरा छोटा भी है और उनके बीच की जो तो रिलेशन होगा तीन गुने वाला होगा तो चलिए पहले हम ये कंडीशन लेते हैं कि भाई दो नंबर्स हम ले रहे हैं एक्स एंड वाई एंड उसमें से हम वाई को अगर बड़ा रखते हैं एक्स से सो so, पहला कंडीशन के हिसाब से द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ ट्वेंटी सिक्स डिफरेंस मतलब आप देखिए पहला नंबर नम्ब, बड़ा नंबर वाई है उससे अगर आप एक्स काटते हैं तो आपका कितना रिमाइंडिंग बचता है ट्वेंटी सिक्स बचता है क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ट्वेंटी सिक्स दे रखा है कंडीशन पे सो so, इसी को आप इक्वेशन वन ले सकते हैं कि वाई माइनस एक्स इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स दिस वन कैन भी टेकन एज इक्वेशन वन और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखिए वाई माइनस एक्स इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स आप चाहे तो आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स प्लस एक्स ठीक है तो आपके हिसाब से यहां पे बस यही रिलेशन को आप रिफ्लेक्ट करना है आपको कि y इज गिवन एज को अगर बड़ा देते हैं तो इस हिसाब से आपको लिखना है एंड सेकंड कंडीशन के हिसाब से वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर एक नंबर दूसरे नंबर का तीन गुना है और आपको मालूम है कि आप इस हिसाब से ले जो है ना आपका एक्स से बड़ा है सो एक्स वाई अगर बड़ा है तो छोटा नंबर आपका एक्स है तो आप यहां पे देखिए कि रिलेशन कैसे बनेगा इन दोनों के बीच कि जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का तीन गुना है तो इस हिसाब से आप ये अरेंज कीजिए कि y इक्वल टू थ्री एक्स मतलब x का तीन गुना और एक नंबर हो रहा है यहाँ पे जैसे कि वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर एक नंबर दूसरे नंबर का तीन गुना है तो छोटे नंबर का यहाँ तीन गुना होना तो चाहिए तो y इक्वल टू थ्री एक्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस वन विल बी योर सेकेंड इक्वेशन तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था वाई माइनस एक्स इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स एंड योर सेकेंड इक्वेशन इज वाई इक्वल टू थ्री एक्स तो जब आप लिखेंगे इसको तो इसमें डिटेल्स में लिखना है कि लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली एंड उसमें से आपको कंडीशन दे देना है कि वाई इज ग्रेटर देन एक्स देन क्वेश्चन पे जिस तरह से दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज ट्वेंटी सिक्स आप यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज ट्वेंटी सिक्स सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वाई माइनस एक्स इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स आप इसको इक्वेशन वन ले सकते हैं देन नेक्स्ट वाला जो कंडीशन है वन नंबर इज़ थ्री टाइम्स अदर यहाँ पे लिखेंगे पहले स्टेटमेंट को वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर तो इससे इक्वेशन क्या बनेगा वाई इक्वल टू थ्री एक्स तो ये जो कंडीशन है आप इसको लिखेंगे आप डायरेक्टली ये सब लिखेंगे तो आपको बाद में समझने में मुश्किल हो सकती है तो आप ये स्टेटमेंट सारे यहाँ पे लिख देंगे ताकि आप उस स्टेटमेंट को पढ़ के अच्छी तरह से इक्वेशन बना सकें दूसरा चीज़ ये कि यहाँ पे अगर आप ये कंडीशन को रिवर्स कर लेते हैं सब कुछ स्टूडेंट्स टेक्स इन दिस वे कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई वो ले लेता है ठीक है दो नंबर्स लिए एक्स एंड वाई उसमें से एक्स को बड़ा ले जाता है तभी इक्वेशन उसके लिए कैसे बनेंगे उसके लिए भी इक्वेशन बन सकते हैं एंड आंसर दोनों में सेम आएगा नंबर्स जो लास्ट में आएंगे कि दो नंबर्स जो ढूंढ रहे हैं दोनों नंबर्स सेम आएंगे बस एक्स एंड वाई की वैल्यू वहाँ पर चेंज हो जाएंगे तो चलिए हम लेते हैं कि एक्स एंड वाई दो नंबर्स हो हमारे लिए एंड एक्स इज ग्रेटर देन वाई सपोज कुछ ऐसा कंडीशन है कि हम रखते हैं कि एक्स वाई से बड़ा है तो पहला कंडीशन वो लिखेंगे या द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ ट्वेंटी सिक्स सो एक्स माइनस वाई को देख लिखना होगा कितना ट्वेंटी सिक्स यहाँ पर हम एक्स को बड़ा रखे हैं दूसरा कंडीशन क्या है वन नंबर इज़ थ्री टाइम्स अदर तो यहाँ पे एक्स क्योंकि वाई से बड़ा है तो एक्स जो होगा वाई का तीन गुना होगा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा थ्री वाई सो इसको आप थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो ये आपका सेकंड इक्वेशन हो सकता है सो फास्ट इक्वेशन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स सेकेंड इक्वेशन एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो बना सकते हैं इसको थोड़ा तो मॉडिफाई करके तो ये इक्वेशन वन इक्वेशन टू बनने के बाद आप दोनों को सॉल्व कर सकते हैं सो so, यहाँ पे आपका एक्स वाई से बड़ा है इस कंडीशन के हिसाब से लिखेंगे तो आपका इक्वेशन ऐसे देखेंगे तो आप x एंड y के बीच पहले आप बना लीजिए कि आप किसको बड़ा रखेंगे जैसे जिसको भी बड़ा रख के आप इसको बना सकते हैं इक्वेसन्स तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर वन हम डिस्कशन कर लिए आप इसको सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को देन द सेकेंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सप्लीमेंटरी एंगल्स यहाँ पे सप्लीमेंटरी एंगल्स के ऊपर एक क्वेश्चन से द लार्ज द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंटरी एंगल्स एक्सिट द स्मॉलर बाय एटीन डिग्रीज देखिए दो सप्लीमेंटरी एंगल्स हैं एंड जो लार्जर एंगल है स्मॉलर एंगल से कितना बड़ा है अठारह डिग्री एटीन डिग्री बड़ा है तो फाइन दें तो देखिए भाई सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जब डिस्कशन की जा रही है तो आपको मालूम होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिनकी अगर हम सम निकालते हैं तो वन डिग्री आता है तो हम यहाँ पे उसी हिसाब से भी लोगों को सेट करेंगे कि भाई द लार्जर एंग लेट द लार्जर एंगल बाय एक्स डिग्री एंड स्मोलर एंगल भी वाई डिग्री इसको आप बी लिखेंगे वहाँ पे टाइप बाय हो गया है तो लेट द लार्जर एंगल भी एक्स डिग्री एंड स्मॉलर एंगल भी वाई डिग्री या फिर खाली एक्स वाई भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि एक एंगल है एक्स दूसरा एंगल है वाई इनमें से हम एक्स को बढ़ा ले जाए ठीक है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल्स की जो बेसिक कंडीशन है कि दोनों की सम होना चाहिए वन एट डिग्री आप इसको यहाँ पर फिट कर सकते हैं कि एज द बुद्ध द एंगल्स आर सप्लीमेंटरी टूज एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन एटी डिग्री ये आपका बेसिक कंडीशन है इसको आप इक्वेशन वन बना सकते हैं कि दोनों एंगल्स सप्लीमेंटरी हैं एक दूसरे से इसलिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना आएगा वन एटी डिग्री आएगा एंड लाइक वाइज कहीं पे कंप्लीमेंटरी है तो आप इसको नाइन्टी डिग्री कर सकते हैं तो इसी क्वेश्चन में सप्लीमेंटरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन एटी डिग्री ये आपका बेसिक सा कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन वन हम बना सकते हैं एंड जो सेकंड सेकंड कंडीशन है आपका यहाँ पर आप दिखा सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और उसके साथ जो अटैच की गई है कंडीशन क्या अटैच की गई है कि भाई द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स जो लार्जर वाला है एक्सीड्स द स्मॉलर बाय एटीन डिग्री छोटे एंगल से बड़ा एंगल अठारह डिग्री का बड़ा है तो देखिए सपोज ये आपका एक्स बड़ा एंगल है ये छोटा एंगल है इन दोनों के बीच में ये अठारह डिग्री बड़ा है तो हम एक माइनस अगर करते हैं एक्स माइनस वाई करते हैं तो कितना डिग्री हमारी रिमाइनिंग होना चाहिए क्योंकि ये अठारह डिग्री बड़ा है इसलिए यहाँ पे बचना चाहिए कितना डिग्री ओनली एटीन डिग्री ठीक है सो एक्स माइनस वाई इक्वल टू एटीन डिग्री विल बी योर सेकंड कंडीशन एज पर द गिवन कंडीशन ठीक है एक्स माइनस वाई इक्वल टू एटीन डिग्री दिस विल बी योर सेकंड इक्वेशन सो यहाँ पे आपके दो इक्वेशन सही बनने वाले हैं कि सप्लीमेंटरी एंगल्स ले रहे हैं आप तो दो एंगल्स पहले ले लीजिए एक्स एंड वाई दे आर टू एच अदर आप सपोज करके लिए हैं उसको सो फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन एटीन डिग्री से सेकेंड इक्वेशन बना देंगे एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू एटीन डिग्री से सो so, ये हो जाएंगे आपके दो इक्वेशंस एंड इक्वेशन वन इक्वेशन टू दे के आप सब मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री बहुत ही आसान है यहाँ पे ऑलरेडी दो चीज़ों के बीच की रिलेशन बहुत ही अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है तो आराम से इसको बना सकते हैं द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय सेवन बैट्स एंड सिक्स बॉल्स फॉर थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज यहाँ पर दो चीज़ें खरीदारी हो रही है बैट्स एंड बॉल्स एंड लेटर्स uh, से वाइज three बैट्स एंड five बॉल्स फॉर one thousand seven hundred fifty rupees find द cost कॉस्ट ऑफ each बैट एंड each बॉल हमें दो चीज़ें निकालना है यहाँ पे एक एक बैट की कीमत एक एक बॉल की कीमत निकालनी है जिसको आप ले सकते हैं कि भाई कि बैट की जो कीमत है सपोज हम एक बैट की कीमत को एक्स ले लेते हैं एक बॉल की कीमत को हम ले लेते हैं वाई तो इसी को आप वेरिएबल लेके वहाँ पे सेट कर सकते हैं जो कंडीशन यहाँ पे दी गई है कि लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट बी एक एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल बी वाई एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस आप इसको लिखेंगे पूरा कि कॉस्ट ऑफ सेवन बैट्स एंड सिक्स बॉल्स इज थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज़ इसको अगर आप लिख देते हैं तो वहाँ से आसानी से बना लेंगे कि सेवन बैट की कॉस्ट अगर हम इक्वेशन के हिसाब से सेट करेंगे एक बैट की एक्स है तो ये हो जाएगा सेवन एक्स प्लस सिक्स बॉल की कीमत हम सेट करते हैं तो सिक्स वाई हो जाएगा एंड दोनों की टोटल कीमत है थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज़ इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन वन ये पहले जो खरीदारी की गई है उसी के हिसाब से फर्स्ट इक्वेशन सेट की गई है देन थ्री बैट्स एंड फाइव बल्स इसको लिखेंगे फिर से स्टेटमेंट को लिख देंगे पूरा कॉस्ट ऑफ थ्री बैट्स एंड फाइव बॉल्स इज वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ तो यहाँ पे आपका आसानी बन जाएगा आसान से आप इक्वेशन बना सकते हैं थ्री बैट्स थ्री एक्स लिखेंगे फाइव बॉल्स यहाँ पे फाइव पॉय लिखेंगे एंड इसका जो प्राइस है वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ इस तरह से बन जाएगा ये दोनों इक्वेशन ठीक है दोनों इक्वेशन बनने के बाद आप यहाँ पे उसको सब्टिट्यूशन मेथड अप्लाई जैसे करते हैं ऐसे सब्टीट्यूशन मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं जो सब्टीट्यूशन मेथड्स को आ, अगर किसी को डाउट है तो आप पुराना वीडियो फिर से वहाँ से देख के इसको कर सकते हैं आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं सो so, यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन खाली लिखा गया है एंड डायरेक्टली इक्वेशन को फ्रेम की गई है लेकिन आप क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे जो कंडीशन है उसको लिखेंगे जैसे कि द कॉस्ट ऑफ सेवन बैट एंड सिक्स बल्स थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज़ उसके बाद ये इक्वेशन लिखना है फिर से एंड करके यहाँ पे और एक लिखना है कि इन द कॉस्ट ऑफ थ्री बैट्स एंड फाइव बॉल्स इज वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी उसके बाद ये इक्वेशन लिखना है तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट को लिखेंगे उस स्टेटमेंट से आप आसानी से ये बना सकते हैं एंड बाद में जब कभी फिर से कॉपी को चेक करेंगे तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चार आप खुद बनाएंगे उसको वो आसान है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर पाँचवा है इसमें एक फ्रैक्शन के बारे में दी गई है एंड एक इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फ्रैक्शन के रिगार्डिंग सो फ्रैक्शन जब बनाते हैं तो आपके पास दो चीज़ें होती है फ्रैक्शन में एक होता है न्यूबरेटिव दूसरा होता है डिनोमिनेटर एंड इसे न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच की रिलेशन को लेके यहाँ पे कई सारे कंडीशन दी गई होती हैं एंड उसी से आप इक्वेशन बनाते हैं तो चलिए पहले हम यहाँ पे कंडीशन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर पाँच में किस तरह का कंडीशन है एक फ्रैक्शन ए फ्रैक्शन बिकम्स नाइन ओपन इलेवन इफ टू बीच एडिक टू बुथ न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर पहला कंडीशन तो दी गई भाई अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में दो एड कर दी जाए तो आपका एक फ्रैक्शन बन जाता है नाइन ओपन इलेवन एंड इफ थ्री इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स फाइव अपन सिक्स फाइन द फ्रैक्शन सो यहाँ पे दो दो कंडीशन पूरा क्लियरली लिखी गई है आराम से बना सकते हैं उसको आप लिखे कि लेट द फ्रैक्शन भी एक्स ओपन वाई फर्स्ट जो आप लिखेंगे कि हम फ्रैक्शन जो है हम उसको ले रहे हैं एक्स ओपन वाई एंड इन दिस केस योर न्यूमिरेटर इज एक्स डिनोमिनेटर इज वाई उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इफ टू इच एडिट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इफ टू इच एडिट टू बोथ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स नाइन ओपन इलेवन सो आप देखिए ये एक्स एंड वाई है यहाँ पे कंडीशन दी जा रही है कि भाई न्यूमरेटर पे टू जिन पे भी टू ऐड कर दी जाए तो आपका फ्रैक्शन जो बन जाता है वो बन जाता है कितना नाइन ओपन इलेवन ये आपका ये आपका पहला इक्वेशन बन के निकलेगा इसे तो कैसे निकालेंगे यहाँ से पहला इक्वेशन देखिए एक्स एंड वाई एक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पर है तो आप यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ को क्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ठीक है सो क्रश मल्टीप्लीस पे आपका कितना आएगा देखिए इलेवन इंटू यहाँ पर जो नीचे है इलेवन इंटू एक्स प्लस टू इनका वैल्यू आ जाएगा इलेवन एक्स प्लस ट्वेंटी टू एंड राइट साइड में इन दोनों का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए नाइन वाई प्लस एटीन ठीक है दोनों में मल्टीप्लाई हो गया आप एक साइड ट्रांसपोज कर देंगे एक साइड ट्रांसपोज करने के बाद आपका वैल्यू कितना आ जाएगा देखिए एक तो इलेवन एक्स है यहाँ पे नाइन वाई इधर आ जाएगा तो माइनस नाइन वाई एंड ट्वेंटी टू इस तरफ है आप अगर एटीन को लाएंगे तो ट्वेंटी टू माइनस एटीन करके इस तरफ प्लस फोर हो जाएगा अदरवाइज आप ट्वेंटी टू को राइट साइड में लेके लिख सकते हैं जो कि आपकी वैल्यू ये वाला आएगा इलेवन एक्स माइनस नाइन वाई अगर लेफ्ट साइड में आप कंसर्न नंबर को रखेंगे तो प्लस फोर राइट साइड में रखेंगे तो आपका माइनस फोर आएगा इसको थोड़ा सा सिम्पलीफाई करने के बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन में कंडीशन है इफ थ्री इज एडेड तो टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर थ्री यहाँ पे ऐड करने के बात की बात कर जा रही है बुध न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे तो कितना बनने वाला है ये इट बिकम्स फाइव अपॉइन्ट सिक्स बिल्कुल सेम तरह का कंडीशन है यहाँ पे आप क्या करेंगे क्रस मल्टीप्लीकेशंस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप यहाँ पे पहले वैल्यू निकालेंगे जैसे कि सिक्स के साथ ऊपर न्यमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए सिक्स एक्स प्लस एटीन हो जाएगा एंड फाइव वाई प्लस फिफ्टीन ठीक है इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप एक साइड ला सकते हैं वेरिएबल्स को सिक्स एक्स एंड जो प्लस फाइव वाई है इस तरफ आएगा तो माइनस फाइव वाई एंड फिफ्टीन को भी इस तरफ लाएंगे तो एटीन माइनस फिफ्टीन यहाँ पे थ्री लिखेंगे अदरवाइज़ राइट साइड ले जाएंगे तो फिफ्टीन माइनस एटीन का वैलू माइनस थ्री लिखेंगे तो आपके हिसाब से इसको सेट करके आप लिखेंगे ये इक्वेशन टू बन जाएगा सो इक्वेश्शन वन एंड इक्वेशन टू बनाने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे एंड क्वेश्चन के आंसर जब लिखेंगे यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू नहीं लिखना है बल्कि आपको फाइनल आंसर इसमें डालना है कि फाइंड द फ्रैक्शन बोला गया है तो आप लिखेंगे द फ्रैक्शन इज उसके बाद जो फ्रैक्शन के हिसाब से एक्स एंड वाई का वैल्यू जो मिला होगा उसको बस यहाँ पे लिखेंगे और फ्रैक्शन ही उसका आंसर दिखाएंगे सो so, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फाइव एंड देर इज अनदर अदर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इट इज बेस्ड ऑन एज ऑफ टू पर्सन यहाँ पे दो, दो लोगों की एज के बारे में ये क्वेश्चन है एंड ये इस तरह का क्वेश्चन इक्वेशन फ्रेमिंग करने में एक uh, आप मतलब आपको थोड़ा सोचना थो, पड़ेगा कि किस तरह से इक्वेश्स आप यहाँ पे फ्रेम करेंगे थोड़ा ब्रेन खर्चा करना पड़ेगा यहाँ पे फाइंड सॉरी फाइव ईयर्स फाइव ईयर्स हैं एज ऑफ जेकअ विल बी थ्री टाइम्स दैट ऑफ हिस्सन फाइव ईयर्स है गो जेक एज वॉज सेवन टाइम्स दैट ऑफ हिस्सन For what are देयर प्रेजेंट एज देखिए यहाँ पे दो लोग हैं यहाँ पे जेकअप एंड उसकी सन सो so, जेकअप एंड उसकी सन की बीच की रिले ए, एज की रिलेशन हमें यहाँ पे बनानी है सो so, सपोज हम यहाँ पे एक प्रेजेंट एज को लेते हैं ये प्रेजेंट एज इसको ठीक से समझिए सपोज ये प्रेजेंट एज है ये जेकअप के लिए एंड उसकी सन के लिए ठीक है अब यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हैं कि लेट द एज ऑफ जेकअप एंड सन भी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली ये प्रेजेंट एज होगा ये एंड अब फाइव ईयर्स एंड यहाँ पे दी गई है कि पाँच साल के बाद द एज ऑफ जेकब विल बी थ्री टाइम्स दैट ऑफ हि सन तो पाँच साल के बाद की यहाँ पे एक बात की जा रही है आफ्टर फाइव ईयर्स के द एज ऑफ जेकब विल बी थ्री टाइम्स ऑफ हि सन जेकब की एज जितना भी होगा उसकी सन की तीन गुना होने वाली है तो इसी कंडीशन को अभी हम लिखेंगे कि भाई प्रेजेंटली अगर उनकी एज एक्स एंड वाई है आफ्टर फाइव ईयर देयर एज विल बी एक्स प्लस फाइव एंड वाई प्लस फाइव ओके okay, ये जेकब का है ये उसकी सन्स की है एंड ये पाँच साल के बाद सपोज तो आपकी एज अभी फिफ्टीन है तो आफ्टर फाइव ईयर्स आप उसको फिफ्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी कर सकते हैं सो तो ये जो एक्स अभी की है वो आफ्टर फाइव ईयर एक्स प्लस फाइव वाई प्लस फाइव होगा बट इन दोनों नंबर्स के बीच इन दोनों नंबर्स अभी मान लेते हैं कि एज एक एक नंबर से तो इन दोनों नंबर्स के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है जेकअप विल बी थ्री टाइम्स दैट ऑफ हिच सन जेकअ की एच जो है एक्स प्लस फाइव उसकी सन का तीन गुना है उसकी सन की एज है वाई प्लस फाइव उसकी तीन गुना कर लेंगे तो थ्री इंटू वाई प्लस फाइव ऑफ वाई प्लस फाइव रखना है यहाँ पे सो so ये जो पहला कंडीशन है इसी से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन पहले कर देंगे मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आप उसको लेफ्ट साइड में सारा नंबर ले जाइए या फिर वाई को लेकर राइट साइड में एक्स एंड वाई को लेफ्ट में रख के कंस्टांट राइट right में रखिए आपका एक equation बन जाएगा तो चलिए जा देखते हैं कैसे होता है ये एक्स प्लस है राइट right साइड में कितना आएगा थ्री वाई प्लस फिफ्टीन लेफ्ट में आपका एक्स प्लस फाइव राइट साइड में था थ्री वाई प्लस फिफ्टीन मल्टीप्लाई करने के बाद सो थ्री वाई आप लेफ्ट में ले जाइए एक्स माइनस थ्री वाई एंड राइट साइड में फिफ्टीन है वहाँ से प्लस फाइव जब जाएगा माइनस फाइव हो जाएगा फिफ्टीन माइनस फाइव इज टेन सो एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू टेन दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेश्स एंड सेकेंड इक्वेशन के बारे में देखते हैं अभी फाइव ईयर एगो जेकब्स एज वॉच सेवन टाइम्स दैट ऑफ इज सन अभी एक्स एंड वाई प्रेजेंट एज लिए थे फाइव पीयर्स एगो जब करेंगे तो पाँच साल पहले उनका एज पाँच साल कम होगा हर एक का सो so, वाई जब था तो वो पाँच साल पहले वाई माइनस फाइव एक्स का एज पाँच साल पहले एक्स माइनस फाइव अभी इन दोनों नंबर्स के बीच एच को आप नंबर्स मान रहे हैं तो इन दोनों नंबर्स के बीच इस तरह से रिलेशन होंगे कि भाई एक नंबर दूसरे नंबर का सेवन टाइम्स है और किसका है ये मतलब जेकअप्स एज वॉच सेवन टाइम्स डैट ऑफ इज सन एज जेकअप की एज है जो कि सेवन टाइम्स होगा उसकी उसकी सन की स्वामी क्या लिखेंगे कि भाई जेकब एज एक्स माइनस फाइव था एंड उसकी सन की एज पाँच साल पहले वाई माइनस फाइव था उसका सेवन टाइम्स बनता है इसकी एज जेकब की एज जितना भी है उसकी सन की एज की सात गुना तो अभी इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसके पहले आप दिखाई थे कैसे आपको दिखाए थे इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेवन वाई एंड माइनस थर्टी फाइव एक तरफ लाएंगे तो कितना बनेगा एक्स एंड ये सेवन वाई एक तरफ आएगा तो माइनस सेवन वाई एंड इस तरफ आपका माइनस थर्टी फाइव है अब माइनस फाइव को उस तरफ लेंगे तो प्लस फाइव बन जाएगा माइनस थर्टी फाइव और प्लस फाइव की वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस थर्टी तो ये आपका इक्वेशन टू बनने वाला है सो so, यहाँ पे इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू बिल्कुल सही तरीका से सही तरीके से लिखी गई है एंड बस ये कंडीशन जो है आप यहाँ पर लिख देंगे ये कंडीशन सारे को लिख देंगे तो आपको आसानी होगी इक्वेशन सब बनाने में तो ये ये सब क्वेश्चन आप अभी डिटेल्स में करेंगे क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन नंबर जो थ्री है उसका फास्ट बिट ले कर छः नंबर बिट तक आपको ये क्वेश्चन सारे करने हैं एंड इस तरह का कई सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट मेथड में भी देखने को मिलेगा जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एलिमिनेशन मेथड के ऊपर सो वहाँ पे पहले आपको थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी जाएंगी पहले आप इक्वेशन सब करना सीख जाएंगे एलिमिनेशन में उसके बाद आपको फिर से इस तरह का वार्ड प्रॉब्लम्स भी दी जाएंगे एंड एग्जाम्स में आपके बिल्कुल ऐसे वार्ड प्रॉब्लम्स दी जाते हैं आप अगर कुछ पुराने क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पर तो वार्ड प्रॉब्लम्स होंगे वहीं से आप इक्वेशन पहले फ्रेम करके उसको तो उसके बाद सॉल्व करेंगे सो वार्ड प्रॉब्लम्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो सो ट्राई टू सॉल्व दिस ऑल थिंग्स एंड इफ देर विल बी एनी डाउट यू कैन कंटैक्ट मी सी यू इन नेक्स्ट वीडियो